मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो फिशर्समैन दिखाए जाते हैं जो कि मरमेड यानी जलपरी के बारे में बातें कर रहे थे। फिर वो दोनों मरमेड को पकड़ने का फैसला भी करते हैं, इसीलिए वो मरमेड को पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। उन्हें 1 वीक से ज्यादा हो गया था, वो मरमेड को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाकर बैठे हुए थे और मरमेड के आने का वेट कर रहे थे। कुछ दूरी पर बोट में एक आदमी उन पर नजर रखे हुआ था। फिर आखिरकार ट्रैप में जलपरी फंस जाती है। वो मरमेड को खींचते हुए बोट पर ले आते हैं और तो और उसे टॉर्चर भी करते हैं। जब एक फिशरमैन जलपरी को बांधने की कोशिश कर रहा होता है तो मरमेड मौके का फायदा उठाकर दूसरे फिशरमैन पर अपने दुम से अटैक कर देती है और दोबारा जाकर समंदर में कूद जाती है। रस्सी से बंधा होने की वजह से वो फिशरमैन उसके साथ ही समंदर में जाकर गिरता है। जो आदमी उन पर नजर रख रहा था वो भी ये सब कुछ देख रहा था। दूसरा फिशरमैन समंदर में ही जलपरी पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन गोली उसके पार्टनर को ही लग जाती है, लेकिन वो फिशरमैन एक बार फिर से मरमेड को पकड़ लेता है। इसी दौरान वो आदमी जो उन पर नजर रख रहा था वो चुपके से उनकी बोट में आकर छुप जाता है। वो देखता है कि वो फिशरमैन बुरे तरीके से उस जलपरी की दुम पर कुल्हाड़ी से स्टैब कर देता है और उसे अलग कर देता है। इसी दौरान फिशरमैन को पता चल जाता है कि उसकी बोट में कोई आकर छुप गया है। फिशरमैन उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए। वो आदमी कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बेयर है। वो डॉक्टर फिशरमैन से कहता है कि मैं इस मरमेड को परचेज करना चाहता हूँ, तुम इसका सौदा कर लो मुझसे। इसी दौरान मरमेड का कटा हुआ दुम वाला हिस्सा समंदर में जाकर गिरता है। मौका मिलते ही डॉक्टर बेयर फिशरमैन पर उसी कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार डालता है। बाद में वो डॉक्टर जलपरी की आधी बॉडी के पार्ट पर रिसर्च करता है। वो देखता है कि जलपरी की आधी बॉडी कट चुकी है मगर इसके बावजूद भी वो जिंदा है। थोड़े दिनों बाद जलपरी की बॉडी पर अजीब सी स्किन आ रही थी और वो बगैर कुछ खाए जिंदा भी थी, और तो और वो काफी दिनों से एक ही जगह पर पड़ी हुई थी। फिर 63 डेज बाद उसकी बॉडी से वो स्किन रिमूव हो जाती है। इसी दौरान उसकी इंसानों जैसी टांगे और पैर भी जनरेट हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगे और पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे लेकिन अभी भी वो चलने के काबिल नहीं थी और वो मरमेड सिर्फ मछलियाँ ही खाती थी। इस जलपरी पर और ज्यादा रिसर्च करने के लिए डॉक्टर बेयर उसे अपने मेंटल अजाइलम में ले आते हैं और अजीब बात ये थी कि उस मेंटल अजाइलम में सिर्फ लड़कियाँ थी। वहाँ पर एक लड़की का नाम होता है जून, जून जो कि हमेशा एक लड़की से बातें किया करती थी और वो लड़की सिर्फ जून को ही नजर आती थी और किसी को नहीं आती थी, यानी इसका मतलब साफ था कि वो लड़की भूत थी। डॉक्टर बेयर जब जलपरी को वहाँ पर लेकर आता है तब वो लड़की जलपरी को भी नजर आ रही थी जो जून को भी नजर आती थी। जो जुल्म जलपरी के साथ हो रहे थे उसकी वजह से वो काफी सैड थी। वो हमेशा गीले रहने या पानी में रहने की कोशिश करती थी। कैमराज के जरिए डॉक्टर बेयर उस पर कॉन्टिन्यूसली नजर भी रख रहा था। जून जब उस लड़की के भूत से बातें कर रही होती है तब हम ये जान पाते हैं कि वो लड़की तो 10 साल पहले मर चुकी है, लेकिन उस लड़की का गोस्ट ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मर चुकी है। वो समझती थी कि मैं भी उन लड़कियों जैसी एक जिंदा लड़की हूँ जो कि इस मेंटल अजाइलम में है, और अब उसे सिर्फ जून और मरमेड ही देख सकते थे। जून जब उस लड़की के भूत से बातें किया करती थी तब सब लोग उस पर हंसते थे ये कहते हुए कि ये किसी सोल से बातें कर रही है। अब उस लड़की का भूत मरमेड से भी बातें करने लगा था और वो मरमेड की हेल्प करने की कोशिश भी करती है। जलपरी एक नर्स जिसका नाम सैंड्रा होता है उससे एक दूसरी लैंग्वेज में बातें कर रही होती है। जलपरी के साथ जो बीत चुका था वो सब कुछ बता रही थी लेकिन नर्स सैंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कह क्या रही है। मरमेड की बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए सैंड्रा लैंग्वेजेस एक्सपर्ट एक आदमी को बुलाती है और वो आदमी मरमेड से बातें करता है। मरमेड कहती है कि यहाँ पर एक लड़की है जो किसी को भी नजर नहीं आती, जिस पर जून कहती है कि मुझे भी वो लड़की दिखाई देती है। जलपरी कहती है कि मैं इस जमीन की इस दुनिया की नहीं हूँ बल्कि मैं समुंदर की दुनिया की हूँ, यानी मैं एक मरमेड हूँ एक जलपरी हूँ। वो कहती है कि मेरी टेल भी काट दी गई बड़े ब्रूटल तरीके से, अब क्योंकि मैं इस दुनिया में आ गई हूँ तो इंसानों जैसे मेरे पांव आ गए हैं। वो कहती है कि ये लैंग्वेज हमने कुछ लोगों से सीखी थी जो फिशर्समैन थे और समंदर में आए थे, और वो फिशर्समैन बहुत सारी जलपरियों को अपने साथ जमीन पर ले आए। इस जमीन पर कुछ लड़कियां हैं जो उन जलपरियों की बेटियां हैं, और एक हकीकत ये कि एक जलपरी की बेटी यहां भी मौजूद है। जलपरियां पानी के बगैर जमीन पर सरवाइव नहीं कर सकती, जमीन पर कुछ दिन और रहने से
वो भी मर सकती है। ये बातें सुनकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन डॉक्टर बियर को गुस्सा आ जाता है कि मरमेड ने अपनी हकीकत सबको क्यों बता दी। इसीलिए वो पनिशमेंट देने के लिए मरमेड को बड़े बुरे तरीके से घसीटते हुए ले जाता है और उसे ले जाकर एक सेल में बंद कर देता है। जलपरी के साथ उस लड़की का गोस्ट भी चला जाता है। उसके साथ ऐसा होता देखकर बाकी गर्ल्स काफी अपसेट हो जाती हैं और उनमें से एक लेडी जलपरी के पास जाने का फैसला करती है। वो लेडी चुपके से जलपरी के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है। वो डॉक्टर बियर से पूछती है कि मरमेड कहाँ पर है। डॉक्टर बियर उसे कहता है कि वो बेसमेंट में है। डॉक्टर बियर उस लेडी को नहीं रोकता बल्कि उसे जाने देता है। वो लेडी जब जलपरी को ढूंढ रही होती है तब उस लड़की का गोस्ट उस लेडी को बुलाता है, लेकिन लेडी को उस गोस्ट की आवाज सुनाई नहीं देती। वो लेडी एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर एक पागल औरत थी जो उस पर अटैक कर देती है। डरते हुए वो लेडी एक सीक्रेट रूम में जा पहुँचती है जहाँ उसे एक डॉग मिलता है जो कि कैनिबल था, और इस डॉग को डॉक्टर बियर ने यहाँ पर पाला हुआ था। अंधेरा वहाँ पर काफी होता है जिसकी वजह से वो लेडी कुछ भी देख नहीं पाती। वो कैनिबल डॉग उस लेडी पर अटैक कर देता है और वो लेडी मर जाती है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर बियर एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने मरमेड के अलावा बाकी लड़कियों के साथ भी काफी गलत किया हुआ था। वो लड़कियों को मारने के बाद उनका गोश्त उस कैनिबल डॉग को खिला देता था। सैंड्रा डॉक्टर बियर से उस लेडी के बारे में पूछती है जिसे डॉग मार चुका था। डॉक्टर बियर कहता है कि वो लेडी का ट्रांसफर कहीं और हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है। डॉक्टर बियर कॉन्टिन्यूसली जलपरी पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि जलपरी किसी तरह बेसमेंट से भी बाहर आ रही है। ये बात उसे हैरत में डाल देती है, इसीलिए वो उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करवाता है। हम देखते हैं कि मरमेड की बॉडी तेजी से चेंज हो रही है और वो जलपरी अपने पाँव पे खड़ा होने की भी कोशिश कर रही थी और सैंड्रा उसकी मदद करती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि वो अपने पैरों पर चल पा रही थी। बाकी लड़कियां भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ फ्रैंक हो रही थी, उसे पसंद करने लगी थी। रात की वक्त जलपरी विंडो का ग्लास तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी लड़कियां भी भाग जाती हैं। लेकिन डॉक्टर बियर कैमरा से उन्हें भागते हुए देख लेता है और इसीलिए वो अपनी गन निकालता है। दूसरी तरफ ये लड़कियां भागते हुए एक रिवर तक पहुंच जाती हैं। वो सभी उसमें स्विमिंग करने का डिसीजन लेती हैं, लेकिन पानी काफी गंदा था इसीलिए वो वहीं पर ही रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां सर्दी लगने की वजह से, भूख लगने की वजह से वापस मेंटल अजाइलम में आ जाती हैं, जबकि एक लड़की और उस लड़की का गोस्ट मरमेड के साथ ही रहते हैं। आजादी और रिवर को पाकर मरमेड काफी खुश नजर आती है। रात को जो लड़की मरमेड के साथ रुकी थी, जब वो सुबह उठकर देखती है तो वो खुद को अकेला पाती है, इसीलिए वो भी वापस मेंटल अजाइलम में आ जाती है। हम देखते हैं कि उस लड़की का भूत जंगल में मरमेड को ढूंढ रहा है। वो देखती है कि एक रात में जलपरी काफी ज्यादा चेंज हो गई है और तो और अब उसकी दुम भी रिजनरेट हो चुकी थी, लेकिन मरमेड वहीं पर फंस चुकी थी क्योंकि रिवर का पानी खुश्क हो गया था। उस लड़की का गोश्त जलपरी को कहता है कि तुम्हारे घर यानी समंदर तक तुम्हें ले जाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी व्हीलचेयर पर बैठकर मेंटल अजाइलम में जा रही होती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और वो जलपरी को कार से हिट कर देता है। यहाँ पर सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि वो वाकई ही एक जलपरी है। डॉक्टर बियर उसे अपने एम्प्लॉयज की हेल्प से अपनी कार में रखवाता है और इस राज को छुपाने के लिए वो सबसे पहले अपने गार्ड को ही मार डालता है। उसे गार्ड का मर्डर करते हुए सैंड्रा और बाकी लड़कियां भी देख लेती हैं, इसीलिए वो सबको मारने के लिए आता है। सैंड्रा बहुत सारी लड़कियों के साथ खुद को एक रूम में लॉक्ड कर लेती है। डॉक्टर बियर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि एक दूसरी नर्स कुछ लड़कियों को वॉशरूम में छुपा रही होती है और खुद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और शूट करके उसे मार डालता है। फिर डॉक्टर बियर वॉशरूम में जाता है और उन सब लड़कियों को बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सैंड्रा बाकी लड़कियों को और एक गार्ड को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। डॉक्टर बियर जलपरी को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है। वो मरमेड को एक मीट हुक में फंसा देता है क्योंकि अब वो जलपरी के टुकड़े करने वाला था, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि सैंड्रा और बाकी लड़कियों ने उसे मर्डर करते हुए देख था और वो लड़कियां और सैंड्रा तो भाग चुकी हैं। लेकिन जलपरी को बचाने के लिए सैंड्रा डॉक्टर बियर की बोट के पीछे आती है। उस वक्त उस लड़की का भूत जलपरी के साथ ही होता है। डॉक्टर बियर जब मरमेड को टॉर्चर कर रहा होता है तब उसकी आवाज सुनकर सैंड्रा भी वहां पर आ जाती है। सैंड्रा को वहां पर एक फाइल मिलती है जिसमें उस लड़की की डिटेल थी जो कि गोस्ट बनकर मरमेड को नजर आ रहा था। यहां पर हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर बियर ने उस लड़की पर स्टडी करते हुए उसे टॉर्चर भी किया था, जिसकी वजह से वो लड़की तड़प
तड़प तड़प के मर गई। फिर सैंड्रा को जलपरी मिल जाती है। डॉक्टर बियर सैंड्रा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो उसे शूट कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बियर मरता नहीं लेकिन इंजर्ड हो जाता है। और फिर वो मरमेड भी उस पर अटैक कर देती है। उसी दौरान उस बोट में सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से उस बोट में पानी आने लगता है। गोली की आवाज सुनकर सब लड़कियां सैंड्रा की हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाती हैं, और वो लड़कियां भी ये देख लेती हैं कि वो वाकई ही एक मरमेड एक जलपरी है, और वो सब मिलकर मीठुक से उसकी दुम निकाल देती हैं, और बोट के टूटे हुए हिस्से से मरमेड समंदर में चली जाती है। लेकिन पानी आने की वजह से बाकी लड़कियां वहां पर फंस चुकी थी, क्योंकि बोट में इतना पानी आ चुका था कि वो सभी डूबने लगती हैं। जून बताती है कि यहां पर एक लड़की की डेड बॉडी है। ढूंढने पर उन लोगों को उस लड़की के भूत की डेड बॉडी मिल जाती है, जिस पर बाकी लड़कियां जून पर बिलीव करने लगी थी। तभी डॉक्टर बियर सैंड्रा पर अटैक कर देता है और उसे पानी में डुबा कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जलपरी वापिस आ जाती है और वो सैंड्रा की हेल्प करते हुए डॉक्टर बियर का मुकाबला करती है। डॉक्टर बियर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। डूबते हुए बोट से बाहर निकलने के लिए जलपरी उन सब लड़कियों की हेल्प करती है। जब सब लड़कियां जमीन पर आ जाती हैं तो उनके पास मरमेड आती है और उन लोगों को थैंक्स बोलती है कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की है। यहाँ पर मरमेड बताती है कि जून भी असल में एक जलपरी की बेटी है। और तभी वहाँ पर उस लड़की का भूत भी आ जाता है, जो कि अब सबको नजर आ रहा था। मरमेड उस गोस्ट को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें देख सकती थी, तुम्हें फील कर सकती थी। ये कहते ही वो वापिस पानी में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर बियर पानी से ऊपर आ रहा है, लेकिन मरमेड उसे पानी में खींच कर ले जाती है और डॉक्टर बियर को डुबोकर मार डालती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।